में ब्लॉक के आशा कार्यकर्ती हूँ। परिचय में सत्यभामा तिवारी, ग्राम छपिया, पोस्ट अहिरौली, जनपद कुशीनगर, ब्लॉक सुकरौली, तहसील हाटा के रहने वाले, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस जंतर मंतर पर इसलिए आई हूँ, आज हम लोग को शुभ अवसर मौका मिला है माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वागत में, कि हम लोग को 27 फरवरी को यही मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हाटा विधानसभा में पहुँचे थे चुनाव प्रसार में। हम लोगों ने दोनों सपा और बसपा की रैली तोड़कर हम लोगों ने अच्छा मनोज तिवारी का स्वागत किया है। स्वागत में उन्होंने बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं हमारी सरकार बीजेपी की प्रधानमंत्री की आ जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पद आ जाएगी तो हम आशा बहुएं का तनख्वाह हम बराबर कर देंगे और आपका अभिनंदन और स्वागत बहुत अच्छा अच्छा है, आपको राज्य कर्मचारी घोषित कर दिए जाएंगे। श्रीमान जी, इसी पर आपकी बाड़ी, मैं अपनी बाड़ी विश्राम कर रही हूँ। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम उषा पटेल है, मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले से आई हूँ। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को सरकार परमानेंट करे और सरकारी कर्मचारी जैसा वेतन दे। हम आशा संगनी और आशा बहुएं सब मिलकर एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों की पीड़ा है। हमारी आशा बहुएं 1000 की आबादी में एक आशा बहुएं रखी गई हैं, वो सर्वे करके ही अपना 1000 आबादी बनाती हैं और उस पर जो उनको काम मिलता है 1000 की आबादी पे, जितने डिलीवरी वगैरह, जितने टीकाकरण वगैरह जो मिलता है उसे के मान दिया उनको दिया जाता है। और फिर हम संगनियों को उसी आशाओं में से जो सबसे परिश्रमी आशा थी उसका प्रमोशन करके उसको आगे बढ़ा करके उसको संगनी बनाया गया और उसको 5000 का मानदेय कर दिए और आशाएं हमारी जो काम करती हैं उसी का उनको मानदेय मिलता है। और यही लोग हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के जो सरकारी राज सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम लोग ऐसे टुकड़े टुकड़े में पैसे नहीं लेंगे और वो जो पैसा यहाँ से जाता भी है वो भी बराबर किसी को नहीं मिलता, वो सब अधिकारी कर्मचारी मिलके नेताओं मिलके टुकड़ों टुकड़ों में खा लेते हैं, पैसा वहाँ तक नहीं मिलता। और ये सरकार भी हमारी जानती है कि हमारी आशा बहनें कितना काम करती हैं और कितने दौड़ भाग से वहाँ तक पहुँचती हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, उस जिम्मेदारी को समझें और अपनी वो जो जो उनका मकसद है उसको पूरा करें। उनकी बस ये कही, सिर्फ सब कुछ तोड़ के बहुत दिनों से कहते कहते हम लोग चले आए हैं, सब कुछ वादे तोड़ करके बस उनका एक मकसद है कि हमारी मानदेय हो, वो भी सरकारी कर्मचारी जैसा हो। मैडम, कुछ अधिकारियों का ये मानना है जी, जी उनसे पैसे नहीं मांगती हैं, ये गलत चीज़ है। वो अपना पैसा खुद लगा के जाती हैं, वहाँ तक जाने में उनको 150 से 200 का बजट आता है जबकि उनको 50 रुपये मिलता है। और अगर ये मीटिंग वगैरह के लिए PSC CSC पे बुलाया जाता है तो 150 रुपया देते हैं। अगर टीकाकरण के लिए एक टीका पूर्ति करवा लेती हैं प्रतिरक्षी पूर्ण तो उनको 100 रुपया मिलता है, इसी आधार पे उनको पैसा मिलता है टुकड़े टुकड़े जैसा। और जितना मिलना चाहिए, जितना इनका उद्देश्य है, जितना हम लोग का वाउचर में है, उतना भी सही ढंग से नहीं मिल पाता है और इसी से सब आशाएँ हमारी क्रोधित हैं। बस उनका मेन मकसद है कि हमको राज कर्मचारी जैसा वेतन मिले और कुछ नहीं।